देश के सभी नागरिकों के लिए वो सारी बातें मैं दोहरा रहा हूं और मैं कहता हूं कि आप भी याद रखिए और हर स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे बताइए। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। जितना हो सके इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना चाहिए। जानकारों का कहना यह है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, सांस के साथ ऐसे छोटे 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 बिंदु निकलते दिखते भी नहीं, उसमें जो भी संपर्क में आता है उसे ये फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार बार साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक और आदत हमें जरूर डालनी है, अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़े और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने के समय इस्तेमाल किया होता है उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें।